हेलो जहन दोस्तों, कैसे हो? आज देख रहे हो इंडियन आर्मी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये आपका सभी के सभी पीबीआरसीएल में पूछा गया, वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, सभी के सभी ओरिजिनल पेपर से, एक भी इधर उधर से नहीं उठाया गया। देख लीजिए, यही प्रश्न पत्र आप अच्छा तरह पढ़ लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर आपका जीके और जीएस 20 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी 20 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए आपका इसी प्रश्न पत्र में। देख लीजिए, और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है। देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय खेल क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो हॉकी होगा सही आंसर। हॉकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। देख लीजिए, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन फोर को चुना तो बहुत अच्छा, जो सुचिता कृपलानी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटर ऑफ चेंजिंग इंडिया। देख लीजिए, चेंजिंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो मनमोहन सिंह होगा सही आंसर। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रधान फसल का नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो व्हीट और हिंदी में कहा जाता है गेहूँ। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। देख लीजिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो टोकोफेरोल होगा सही आंसर। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज ब्राउन कोल। देख लीजिए, किसको भूरा कैला रूप से जाना जाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो लिगनाइट होगा सही आंसर। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ कपर। देख लीजिए, तंबा का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन देखकर ही बता देगा, ऑप्शन थ्री होगा सही आंसर। कपर पाइराइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपका इसी प्रश्न पत्र ज़्यादा से पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। देख लीजिए, आदमी का दोबारा इस्तेमाल किया गया पहले जो धातु है वो कौन सा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो तांबा होगा कपड़ होगा सही आंसर। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर इन बेसबॉल डज। देख लीजिए, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो नाइन प्लेयर होता है, नाइन प्लेयर होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। देख लीजिए, भारत का कितने आधिकारिक भाषा है, जो सरकारी भाषा है वो कितना है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 22 लैंग्वेज होगा सही आंसर। भारत का आधिकारिक भाषा 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। देख लीजिए, महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो लावणी होगा सही आंसर। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल लोकेटेड व्हिच सिटी।
हवा महल कौन से राज्य में सॉरी शहर में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो जयपुर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपका एक ही बात आपका दिमाग में घुसना चाहिए, आप जितने भी पढ़ लो आप पीबीआर सीआर का पिछले 5 ईयर का 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो आप पढ़ लीजिए। ऑल इंडिया में जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो आप पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। जीडी ट्रेडमेंट क्लर्क नर्सिंग का ओरिजिनल पेपर पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही प्रश्न आपका 16 में रिपीट हो जाता है, 100% रिपीट हो जाता है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है। इसीलिए हमारा पास ओरिजिनल पेपर है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। आपका स्टेट का मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल का यार बहरमपुर में पढ़ती हो, वहाँ पे हमारा पास वही यार बहरमपुर का ये 5 ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। आपका जो पीडीएफ फाइल है पेमेंट के 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा। देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करके आप पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले सकते हो। देख लीजिए हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा हमारा जो पीडीएफ, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। चाहे आप बहरमपुर एयरो से हो, चाहे आप श्रीनगर गोपालपुर कोई भी कोयम्बटूर बेंगलुरु कोई भी ऑल इंडिया में जितने भी एआरओ है हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया में। जरूर एक बार कॉल कीजिए, कॉल टाइम अवेलेबल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, देख लीजिए हीमोग्लोबिन का कितने सॉरी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो आयरन होगा सॉरी आंसर, लोहे होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड व्हिच स्टेट, देख लीजिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सुगर यील्ड, देख लीजिए गन्ने का रस से क्या मिलती है। अब सभी बच्चे ने जानते हो गन्ने के जो जूस होता है उससे क्या मिलते हैं हमको बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो शुगर होगा चीनी मिलता है गन्ने का रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, देख लीजिए बिहार राज्य का जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वर्तमान मुख्यमंत्री उसका नाम बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो नीतीश कुमार होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देख लीजिए विद्युत। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन फोर को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इकाई होता है वोल्ट, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड व्हिच रिवर, देख लीजिए नागार्जुन सागर डैम कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड फास्ट ट्रैवल इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, देख लीजिए ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, स्टील में ध्वनि सबसे तेज कठिन में चलती है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रश्न पत्र का। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट, देख लीजिए राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर देता है आपका जीके का पार्ट में, एक क्वेश्चन आता है जिसका मार्क्स 2 होगा, जरूर आप हमारा देश का राज्य राजधानी से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो ईटानगर होगा सॉरी आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 में कितना क्वेश्चन आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हमारा जो पीबीआर सीआर का आपका ईआरओ का आपका स्टेट का क्वेश्चन है वो आप लेना चाहते हो तो जरूर एक बार कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके आप पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले लीजिए। गूगल पे फ़ोनपे सभी है,
आप चाहे तो पेमेंट कार्ड के ले सकते हो, 10 मिनट के अंदर आपके पास चला जाएगा। जरूर एक बार कॉल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।